हेलो वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज आशी फ्रीस्टाइल एंड यू आर वाचिंग मोटोट्रॉन्स। तो यार जब भी ना पल्सर्स की बात होती है ना तो एक अलग सा इमोशन जो उभर के आ जाता है, अलग से इमोशंस, फीलिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं जो इस मोटरसाइकिल से जुड़ी हुई है। हर किसी इंसान के जो इस कंट्री में रहता है, हमारे देश में, भारत में रहता है, उनकी इमोशंस जुड़ी है पल्सर्स के साथ। इट हैज बीन हियर फॉर लास्ट 21 इयर्स, सो प्रेजेंटिंग बिफोर यू द पल्सर 125 क्लासिक डिजाइन में, जो यहाँ पे दिख जाती है अभी डैगर एज एडिशन के फॉर्म में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डिजाइन और इंजीनियरिंग के बारे में। तो यहाँ जो डिजाइन है कुछ नया नहीं है, दिस इज द सेम क्लासिक ओल्ड लुकिंग पल्सर डिजाइन जो इस मोटरसाइकिल पे आपको देखने को मिल जाता है। तो सामने में जो आपको दिखता है वो है द बिकिनी फेयरिंग, यहाँ पे बढ़िया वाले हेडलाइट्स है। आज भी इसका प्रेजेंस जो है ना वो गया नहीं है मार्केट से। यहाँ पे आपको वुल्फाइड, आपको जो पायलट लैंप्स है वुल्फाइड वाले, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। दिस वन इज द हैलोजन हेडलैम्प, जो कि अभी भी क्लासिकली लुकिंग मोटरसाइकिल्स बोल सकते हो आप इसको। फ्रंट फेंडर जो है वहां पे आपको कुछ कुछ फिनिशेस देखने को मिलते हैं, दैट इज द कार्बन फाइबर फिनिश यहाँ देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट बिकिनी फेयरिंग में भी आपको देखने को मिल जाते हैं, बेली पैन में भी आपको देखने को मिल जाते हैं। टैंक की बात करें तो यार मस्कुलर पल्सर वाला जो क्लासिक टैंक है ना वही आपको देखने को मिल जाता है, और सेम यहाँ पे कार्बन फाइबर फिनिश यहाँ भी आपको मोटरसाइकिल पे देखने को मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, टैंक पे ही बढ़िया सा कार्बन फाइबर फिनिश वाला टैंक पैड दिख जाता है। लुक्स ऑफ द बाइक स्टिल इज अ किलर, अभी भी बोल सकते हैं इस मोटरसाइकिल को। यहाँ जो सीट है दैट इज अ स्प्लिट सीट एज ऑफ नाउ ऑन दिस मोटरसाइकिल पल्सर 125 पे। टेल लाइट अभी भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव, शार्प और क्लासिक लुकिंग है। क्लासिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत साल हो गए इस मोटरसाइकिल को इस कंट्री में एग्जिस्ट करते, लेकिन अभी भी फ्रेशनेस जो है ना वो कहीं से भी नहीं गया है। एंड बजाज कीप्स ऑन चेंजिंग द ग्राफिक ऑप्शंस, कलर ऑप्शंस चेंज करता रहता है, तो उसके लुक को रिफ्रेश कर ही देता है वो। तो बात करते हैं इसके छोटे धुकधुकाने वाले दिल की, जो माइलेज तो बहुत बढ़िया देने वाला है ऑफ कोर्स, बट पावर भी एडिक्वेट प्रोवाइड करता है क्योंकि एक पल्सर ब्रांड है। तो वहां पे यार जो पल्सर्स है ना वो अपने पावर के लिए ही जानी जाती है। तो ये छोटी मोटरसाइकिल होने के बावजूद आपको बढ़िया पावर ड्राइव करके देती है अपने छोटे मिल से। मतलब 124.4 सीसी का यहाँ पे जो इंजन है वो आपको देखने को मिल जाता है, बट ये पावर ड्राइव करके देता है दैट इज अराउंड 11.08 पीएस ऑफ पावर, जो कि बढ़िया पावर है इस सेगमेंट की। अगर मोटरसाइकिल की बात करें तो बढ़िया पावर आपको निकाल के देती है मोटरसाइकिल। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो टॉर्क फिगर्स ये निकाल के देता है दैट इज अराउंड 10.04 न्यूटन मीटर्स टॉर्क, व्हिच इज वेरी एडिक्वेट अगर इस मोटरसाइकिल इस सेगमेंट की बात करें तो। अच्छा, सो टॉकिंग अबाउट द सस्पेंशन, ब्रेक्स, टायर्स, इन सारी चीजों के बारे में और फ्रेम के बारे में बात करेंगे इस वाले सेक्शन में। तो जो टायर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं दैट इज 80/100 सेक्शन के टायर्स है, यूरो ग्रिप के टायर्स है फ्रंट में। रियर में भी आपको यूरो ग्रिप के 190 सेक्शन के टायर्स देखने को मिल जाते हैं, दिस आर ऑल नायलॉन टायर्स। उसके अलावा जो डिस्क ब्रेक्स हैं यहाँ पे, इस जो मोटरसाइकिल को आप मेरे आंख के सामने देख रहे हैं दैट इज अ 240mm रोटर साइज विद 2 पिस्टन कैलिपर्स, जो कि एंड्योरेंस की तरफ से आप देखो देखने को मिल जाते हैं। सो इसका बेसिकली एक और ऑप्शन है जो कि ड्रम ब्रेक्स में आपको मिल जाता है देखने को। वहां पे आपको ड्रम ब्रेक्स फ्रंट में जो देखने को मिलता है दैट इज ऑफ 170mm ड्रम ब्रेक के साइज में मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, रियर अगर ड्रम ब्रेक्स की बात करें तो वो आपको 130mm के ड्रम ब्रेक्स हैं जो देखने को मिलेंगे। सस्पेंशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ट्विन सस्पेंशन जो देखने को मिल जाता है, दिस आर गैस चार्ज्ड सस्पेंशन जो कि एंड्योरेंस की तरफ से आपको देखने को मिलता है इन मोटरसाइकिल्स पे। सो राइट ऑन द फ्रंट यहाँ पे जो स्पीडोमीटर कंसोल है ना वो डिजिटल और एनालॉग का कॉम्बिनेशन है जो देखने को मिलता है। इट लुक्स वेरी क्लासिक ना, हमेशा से पल्सर में ये चीज ना बहुत क्लासिक दिखती आई है और अभी भी क्लासिक है जो दिखती है। यहाँ पे आपको डिजिटल स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है, फ्यूल गेज डिजिटल है, आपको ट्रिप मीटर्स है जो दो टोक यहाँ पे मिल जाते हैं, ऑडोमीटर भी डिजिटल है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको ऑनबोर्ड यहाँ पे डिजिटल कंसोल में देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो क्लासिक लुक के टैकोमीटर है ना उसकी बात ये अलग है, जब कांटा ऊपर होता है विद द अपकमिंग आरपीएम्स मजा ही कुछ और होता है। बहुत सारे टेलटेल लाइट्स जो यहाँ देखने को मिल जाते हैं। स्विच गियर्स की बात करें तो स्विच गियर्स यहाँ पे जो है क्वालिटी प्लास्टिक का डिसेंट है। यहाँ हॉर्न, यहाँ पे इंडिकेटर, ब्लिंकर्स के आपको स्विच मिल जाता है, ये लो बीम हाई बीम, यहाँ आपका पास स्विच, यहाँ आपको इंजन किल स्विच और यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट वाला स्विच देखने को मिल जाता है। प्लास्टिक क्वालिटी मेरे को डिसेंट सा लगा, लेकिन यहाँ पे बैकलाइट वाले स्विच गियर्स है करके बहुत ज्यादा प्रीमियम देखने में ये लगती है। सो टॉकिंग अबाउट द अर्गोनॉमिक्स एंड डायमेंशंस ऑफ दिस पल्सर 125 क्लासिक मोटरसाइकिल डैगराइज्ड एडिशन वाली, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको व्हील बेस है वो 1320mm का व्हील बेस देखने को मिल जाता है इस वाली मोटरसाइकिल में, जो इस मोटरसाइकिल के लिए काफी होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिल जाता है वो है 165mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि एडिक्वेट होगा, यहाँ के बड़े ब्रेकर्स भी आराम से झेलने में कैपेबल हो सकती है मोटरसाइकिल। वेट की बात करें इस मोटरसाइकिल की तो दैट इज वेरी सरप्राइजिंग, सिर्फ 142 किलो की गाड़ी है, मतलब बहुत लाइट वेट मोटरसाइकिल है।
एंड ये मोटरसाइकिल को अच्छा माइलेज देने वाला भी बनाएगा, साथ में उसके पावर को भी आप अच्छे से यूज कर पाओगे। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं इसके प्रॉपर एर्गोनॉमिक्स की, तो यहाँ पे जो हैंडल बार्स हैं वो पल्सर 180 से कंपैरेटिवली बहुत डिफरेंट है। थोड़ा सा अपराइट राइडिंग पोजीशन आपको देखने को मिल जाता है, प्लस आपके जो लेग के पोजीशन होंगे ना वो भी यहाँ पे फुटपेक्स जो है, क्योंकि बहुत ज्यादा रियर सेट नहीं है तो आपको थोड़े फ्रंटल ही आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे जो फुटपेक्स है वो, जिसके कारण आपको जो राइडिंग पोजीशन है बहुत ज्यादा कंफर्ट और रिलैक्स मिलने वाला है। एडिक्वेट बीच का मीडियोकर वाला यहाँ पे आपको कुशनिंग है जो देखने को मिलता है, तो एडिक्वेट कंफर्ट भी आपको प्रोवाइड करने की गारंटी देती है वाली मोटरसाइकिल। ये जो कवर्स है वो भी मेरे को बहुत ज्यादा सरप्राइज किए और यूनिक लगे, क्योंकि अच्छा ग्रिप आपको प्रोवाइड करेंगे जब आप इस मोटरसाइकिल पे रहोगे तब। तो आ जाते हैं आप सीधा इसके निष्कर्ष पे, मतलब फाइनल वर्डिक्ट पे। तो ये मोटरसाइकिल किसके लिए बनी हुई है उसके बारे में बता देता हूँ, और ये लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, इसका प्राइस क्या हो सकता है, इसकी माइलेज क्या होगी, ये सारा कुछ है जो हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे इस वाले पार्ट में। तो बात करते हैं सबसे पहले ये मोटरसाइकिल लेनी की चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, किसके लिए मोटरसाइकिल है। तो ये जो मोटरसाइकिल है, अगर आपको क्लासिक पल्सर डिजाइन पसंद है, इफ यू लव द क्लासिक पल्सर डिजाइन देन दिस मोटरसाइकिल फॉर यू। अगर आपके माइलेज कंस्ट्रेंट्स है, मतलब आपको माइलेज को लेके आप सोचते हो कि भाई मोटरसाइकिल पल्सर ही चलानी है लेकिन माइलेज अच्छी देनी चाहिए, दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर यू। अगर आप सिटी राइडिंग करने वाले हो इस मोटरसाइकिल से, दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर यू। तो आपको माइलेज के लिए बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, बट यू आर गेटिंग द पल्सर डिजाइन डाउन, स्पॉट ऑन मिल रहा है आपको पल्सर डिजाइन इस मोटरसाइकिल पे। अभी जो नया ग्राफिक ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव फील कराते हैं इस मोटरसाइकिल को, खड़े खड़े स्टैंड स्टिल में भी गाड़ी भागती हुई लगती है पल्सर हमेशा से, ठीक है। तो यहाँ वही सारी चीजें जो देखने को मिल जाती है, इनके लिए परफेक्ट है, मैंने बता दी। अब बात करते हैं इसके टॉप स्पीड की, तो वो मैंने बता दिया कि अराउंड 110 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड देने में सक्षम है। हाईवेज पे आराम से 50-55 का माइलेज देगी, सिटी में आप घूम लो बिंदास 40-45 का माइलेज कहीं नहीं गया, 45-50 का माइलेज भी इजिली देगी अगर आप अच्छे ट्रैफिक कंडीशन में चलाते हो तो, मतलब मीडियोकर ट्रैफिक कंडीशन है। तो अब प्राइस पे आ जाते हैं, तो अराउंड 1,20,000 का प्राइस टैग ये बेयर करती है अपने साथ में, तो ये कहीं ना कहीं ठीक ठाक प्राइस रेंज है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैंने आपको बता दिया है, दिस इज द OTR प्राइस अप्रोक्सीमेटली ऑफ रायपुर। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस पल्सर, क्लासिक लुकिंग पल्सर 125cc मोटरसाइकिल भाई। तो ये मेरे को तो बहुत ज्यादा मजेदार लगी, अगर भाई कभी कम्यूट करना होगा ना तो आई विल श्योरली गो फॉर दिस ऑप्शन। आप लोग बताना बाकी वीडियो कैसी लगी आपको, और ये मोटरसाइकिल कैसी लगी ओवरऑल, ये डायग्रेस ग्राफिक्स कैसे लगे वो तो बिल्कुल ही बताना मेरे को वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में ऑफकोर्स। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, शेयर कर दो दुनिया में जितने लोग पल्सर्स के दीवाने हैं ना उनके साथ।